जी नाज़रीन, खुदा उनका शुक्र हो कि आज हम फिर एक फैमिली के साथ हैं और प्रोग्राम बंधन लेकर आपके लिए हाज़िर हुए हैं। जैसे कि मुझे तो आप जानते हैं, मेरा नाम है सुम्बुल नौरीन और BTL की जानिब से ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। पिछले प्रोग्राम में मैंने बड़ी डिटेल से आपसे माजरत की कि ये प्रोग्राम भी मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन हमारी अब भी ऑफ़र है जितने देखने वाले हैं उनके लिए, और हमारी कोशिश है कि जितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं ज़रूर शामिल हों। ये प्रोग्राम हम यहाँ हॉलैंड से रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान में ज़रूर किसी और नई होस्ट के साथ आप इस प्रोग्राम को देखेंगे। आज हम यहाँ पर हैं रोटरडम में हॉलैंड से, और आज हम जिनके मेहमान हैं या जिनके घर पे हैं, मैं उनका तारुफ थोड़ी देर में आपसे ज़रूर करवाऊँगी, लेकिन पहले हम इस प्रोग्राम के हवाले से चंद बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया था कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, लेकिन शायद आपने वो प्रोग्राम मिस किया हो। मिस मत कीजिए, YouTube पे आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे टूटते हुए ख़ानदान जुड़ने लगे, हम में बर्दाश्त का मादा पैदा हो जाए और हम अपनी शादीशुदा लाइफ को बोरियत के साथ गुजारने की बजाय बहुत खुशी के साथ, बड़ी दिलजोई के साथ और उन हुक्मों के साथ गुजार सकें जो खुदावंद ने हमें दिए हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया था कि शौहर जो है वो बीवी का सर है, यानी कि उसका सरताज है। आज इस प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं कि कुलसियों उसका 3 बाप, उसकी 18 और 19 आयत में जैसे कि लिखा है कि ऐ बीवियो, जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबे रहो, और फिर लिखा है ऐ शोहरो, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तलख मिजाजी ना करो। ये दोनों बातें बड़ी अहम हैं, इन पर हम बातचीत करेंगे। और आज के मेहमान से, यानी मेहमान एक मैंने इसलिए कहा कि दो बदन एक जान एक रूह, ये रिश्ता ही ऐसा है। तो जल्दी मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा तशरीफ़ फरमा है। मैं अभी आपका तारुफ़ भी इनसे करवाती हूँ। नेदरलैंड्स में तो शायद बहुत सारे लोग इन्हें जानते हैं, और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है, और दोनों लिहाज से कि दिखने में भी और इनका जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है उस हवाले से भी। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि इनसे छोटा सा इंटरव्यू करें और इनसे बातें करें, ताकि वो राज जान सके जो इनकी इस अंडरस्टैंडिंग का बायस है। जी, हम आपको वेलकम कहते हैं BTL के प्रोग्राम बंधन में। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खुदा का शुक्र है। अच्छा, खुदा उनका शुक्र है। आज हम BTL के प्रोग्राम बंधन की वजह से आपके यहाँ आए, और बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी आवभगत भी की हमारी, और बहुत जैसे मतलब हमने वैसे बाहर आपको देखा था वैसे ही हमने यहाँ भी पाया आपको। तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है ये प्रोग्राम करते हुए? अगर देखा जाए तो ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम हम किसी कैमरा के सामने हैं हम लोग, तो हमें तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी है, लेकिन शुक्र है खुदावंद का, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है आपके ज़रिए, BTL टेलीविज़न के ज़रिए, कि हम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को जो हम आपस में गुजार रहे हैं, हम
दो बच्चे हैं हमारे, और जिस तरह हम गुजार रहे हैं वो हम लोगों के साथ भी शेयर कर सकें। हाँ जी, और जैसे मैंने आपसे थोड़ा सा शेयर भी किया था कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि हम ऐसे जोड़ों का इंटरव्यू ज़रूर करें और उनसे जानें, ताकि वो जोड़े जो कि किसी भी तरह किसी मुश्किल हालात में हैं, मतलब किसी भी वजह से, अपने ख़ानदान की वजह से, अपनी वजह से, अपने दोस्तों की वजह से, या फिर कोई भी वजह हो सकती है, तो वो ज़रूर अपने आप को संभाल लें, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है। लेकिन इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपके नाम के बारे में जो मैंने सुने हैं, वो मुझे ऐसा लगता है निक नेम है, जैसे बॉबी भाई मुझे पता है, लेकिन एक्चुअली आपका नाम क्या है? एक्चुअली नाम मेरा यूसुफ है। अच्छा, यूसुफ। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि इनका नाम यूसुफ है। हाँ जी। तो सबा, आपका नाम वैसे भी सबा ही है? और वैसे नहीं, मेरा नाम सबा सिर्फ घर पे। अच्छा। और वैसे मेरा नाम नादिया। अच्छा, नादिया। तो आप लोग आपस में एक दूसरे को इन्हीं नामों से पुकारते हो, बॉबी और सबा? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए ये मेरे ख्याल में मशहूर हो गए। हाँ जी, ऐसे ही है, बॉबी ऐसे ही, यही वजह। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखें, अगर हम गौर करें ना, तो ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि कोई कहीं बैठा होता है और कोई कहीं होता है, और जो कहते हैं ना आसमान पे जोड़े बनते हैं और वो मिल जाते हैं, और फिर वो रिश्ता अज़दवाज में बंध जाते हैं। ये बंधन प्यार का बंधन होता है, ये बंधन वो बेड़ियों वाला नहीं होता, प्यार का बंधन होता है, लेकिन होता बंधन ही है, बंधे रहना है, इसका मतलब यही है। तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई, खुदावंद ने कैसे आप लोगों को जोड़ा? हम लोग एक्चुअली, काफ़ी लोगों को नहीं पता कि सबा जो है वो मेरे पुप्पो की बेटी भी है। अच्छा अच्छा हाँ जी। तो बस बड़ों के लिए, बड़ों की वजह से हम लोग आपस में जुड़ गए। अच्छा। और अब मतलब ये कहना चाहिए कि लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, दोनों दोनों है, दोनों है, दोनों पसंद भी करते थे एक दूसरे को। अच्छा, लेकिन कहते नहीं थे या नहीं, लेकिन बाद में हो गया था ये सारा कुछ, कि इजहार वगैरह हो गया था। अच्छा नाजरीन, कोई बात नहीं, इसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, शायद थोड़ी हिचकिचाहट है, वो खुल के बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि लव मैरिज भी बहुत अच्छी होती है और अरेंज मैरिज भी बहुत अच्छी होती है। अगर लव मैरिज में घर वालों की रजामंदी है, तो इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है, हो नहीं सकती। सही बात है। और क्योंकि आप पहले से किसी को जानते हो, एक दूसरे के आदतों का पता चल जाता है कि ये किस माइंड का है, तो मेरा ख्याल है कि ये इजी हो जाता है, इजी हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, एक दूसरे को समझने के लिए। अरेंज मैरिज का भी, लेकिन वो उसमें बड़े जो इन्वॉल्व होते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं, वो भी अच्छा सोचते हैं, बिल्कुल अच्छा। मतलब दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो अरेंज भी अच्छी है और लव भी अच्छी है। लेकिन अगर हर तरह से सोचा जाए तो बात फिर वही आ जाती है कि जिनको खुदावंद की मर्जी होती है जोड़ने की, जी जी, वो जोड़ देता है। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि निकाह के वक्त जो है वो फैसला कुछ और हो जाता है और लोग नहीं जुड़ पाते। लेकिन जो बड़ा अहम सवाल है वो ये है, आप क्या समझते हैं कि जब खुदावंद ने दो लोगों को रिश्ता अज़दवाज में बांध दिया है, तो हमारी जो मसीही कम्युनिटी है या कलाम है, वो इजाज़त नहीं देता कि हम फिर बिछड़ें, जिनको खुदा ने जोड़ा है ना, उनको जुदा ना करना। तो उसका मकसद ये है कि वो हमेशा इसी तरह एक दूसरे से मिलकर दुख सुख बांटे, जैसा कि हम निकाह में भी यही पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हालात कुछ भी रहे हों, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, जब आप एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, तो उसे हमेशा साथ रहना चाहिए, या हालात ऐसे नहीं हैं तो फिर छोड़ देना चाहिए? आप क्या समझते हैं? अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो एक तो बाइबल मैं अगर देखूँगा, बाइबल तो कतई तौर पे ये नहीं कहती कि आप एक को छोड़ के दूसरे के पास चले जाओ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन लेकिन कुछ कई दफ़ा सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के ज़रिए आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि हमारे ये
नेक्स्ट मंथ हमें 10 साल हो जाएंगे, हमारी एनिवर्सरी 10 साल हो जाएंगे। उसके लिए मतलब हम मैं शुक्र करता हूँ खुदावन का कि उसने मुझे इतनी सारी नेमतें दी हैं, खूबसूरत बीवी दी है, खूबसूरत बच्चे दो दिए हैं, इजाबेला और ईथन। इसके लिए मैं खुदा का जितना शुक्र करूँगा उतना ही कम है। तो हमें मतलब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपना वो बच्चों में जो वक्त गुजारना होता है वो अगर आप सेम टाइम अपनी बीवी के साथ भी गुजारें, क्योंकि बच्चों को तो इंसान माँ भी और बाप भी प्यार बहुत ज़्यादा करता है, तो अगर बीवी के साथ भी उसी तरह के का रिलेशन थोड़ा सा रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि आपकी लाइफ बहुत मज़े की गुजरती है। एक दोस्त, अच्छा दोस्त आपके साथ रहता है। क्या बात, बहुत अच्छी बात। सबा, आपके भी सेम ख्याल आते हैं? जी बिल्कुल, मेरे भी यही ख्याल आते हैं कि अगर अगर तो गाड़ी ठीक चल रही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ रहा है तो आपको ख़ुद से उसको लाइन पे, उस गाड़ी को दोबारा से लाना है आपको। या तो अगर आप में अना है या आप में बहुत गुस्सा है तो आपको उस गुस्से को कम करना है, या आपको अपना, अगर आप एक कईयों की अपने एक नेचर होती है जो शादी से पहले होती है और वो उसके साथ माँ बाप एडजस्ट कर लेते हैं, बहन भाई एडजस्ट कर लेते हैं, बट मे बी कई दफ़ा हस्बैंड जो है, जब आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ आपकी आदतें होती हैं जो आपको कभी करना पड़ता है कि नहीं मुझे अपनी इस आदत को ख़त्म करना है क्योंकि ये हमारी रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। क्या बात, तो फिर आपको जैसे अब अगर फर्स्ट को तो आपकी किसी छोटी सी किसी चीज़ के लिए लड़ाई हुई भी है तो आप में वो एक अना नहीं होनी चाहिए कि भाई नहीं पहले सॉरी मुझे ये कहे, एक आपको होना चाहिए कि नहीं अब जो बात हो गई हो गई, पेज को क्लीन करो और आगे बढ़ो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं एक छोटी सी बात इसमें इजाफा करना चाहूँगी कि अगर आप देखें ना तो हमारे जो दोस्त होते हैं, जो जैसे लड़की है उसकी कोई सहेली है या लड़का है उसका कोई दोस्त है, तो उसमें हमें हिचकिचाहट नहीं होती सॉरी बोलते हुए ना, उसमें हम हमारा बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब हम मियाँ बीवी हो जाते हैं तो फिर वो कुछ ऐसे हम लोग खुद अपने अंदर ना रोक लगा लेते हैं कि नहीं जी अब मैं तो शौहर हूँ तो शौहर होते हुए मैं कैसे, मैं नहीं बोल सकता, या बीवी बोले कि बस इसको तो मेरा ख्याल ही नहीं है, ये तो वो नहीं कर रहा। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। अच्छा, मैं देख रही थी जब हम लोग यहाँ आए तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों, मेरे ख्याल 6 साल का बेटा है। हाँ जी, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, इसी मंथ 17 को हो जाएगा 6 साल का। तो 6 साल का बच्चा है, फिर बेटी है छोटी, वो भी 2 साल की है। तो छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि अब मेरे बच्चे जो बड़ी वाली बेटी है वो 17 बल्कि 18 की होने वाली है, तो जब छोटे थे, अभी मेरा 3 साल का बेटा है तो वो मतलब संभाल लेते हैं, इतना वो नहीं होता। लेकिन जब सिर्फ माँ बाप हों और छोटे बच्चे हों तो काफ़ी मुश्किल भी होता है संभालना। तो आप क्या, मैं तो जो देख रही हूँ मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आप मिलके तो बांट लेते हैं अपनी जिम्मेदारियाँ। ऐसा ही है हम लोग, हाँ जी, वाकई में बांटते हैं। लेकिन कई जगहों पे ऐसा नहीं हो रहा ना, आप एग्री करेंगे मुझसे कि कई जगह पे ऐसा नहीं हो रहा कि जो शोहर होता है ना वो क्योंकि काम करके आता है बाहर से, बहुत थक जाता है, तो बीवी तो घर पे ही होती है ना, बीवी को तो कुछ नहीं करना होता, नहीं तो, वो तो फारिग होती है तो फिर ये होता है कि वो शोहर कहता है कि नहीं मैं तो बहुत काम करके आऊँ, तो रात में अगर बच्चा उठ जाता है तो वो उठ नहीं सकता। तो आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? नहीं, यहाँ पे मैं वो बिल्कुल वो बात ऑपोजिट हूँ, कि मैं अगर रात को बच्चे उठते हैं हम दोनों उठ जाते हैं, ये तो नेचुरली है। हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ इसी की जिम्मेदारी है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको लोग बातें बातें नहीं करते कि मतलब ये कैसा शोहर है, ये तो बच्चों को भी संभाल रहा है, ये अजीब लगता है, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं हमारे माशरे में, ये हिस्सा बन गया हुआ है। ये अपनी सोच, जहाँ तक लोगों की सोच है कि मैं क्यों करूँ, अगर हस्बैंड है तो वो कहेगा कि मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है, मेरा सिर्फ जिम्मेदारी काम पे है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बीवी घर का काम भी करती है। दूसरा ये है कि अगर मैं अभी आज की मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि सुबह ईथन जल्दी उठ जाए, आज सैटरडे था तो ईथन जल्दी उठ गया,
इजाबेला सोई हुई थी, सबा भी सोई हुई थी, मुझे कहता कि वो इथन मुझे डैडा मुझे ना कुछ खाने के लिए दे मुझे। मैंने कहा ठीक है, क्या खाना है? कहता, मैंने उसे बोला कि कुछ चीज़ें कि कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, ऑन वाइट कुक चाहिए, या मतलब इस तरह की चीज़ें जो। तो कहता नहीं, मैंने चीनी वाली रोटी खानी है। ओ मैंने कहा चीनी वाली रोटी आपने खानी है? मैंने कहा इस वक्त चीनी वाली रोटी? मैंने कहा अच्छा, इथन मैं देखता हूँ आपके लिए कुछ लाता हूँ, देखता हूँ। मैं नीचे गया, देखा कुछ पड़ा हुआ था, आटा वगैरह पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से उसका चीनी वाली रोटी बना के, उतनी देर में इजाबेला भी उठ गई, मैंने उसे भी बना के दे दी। तो जब मैंने उसे दी है ना, जो मेरी खुशी है ना, वो जो मैंने अपनी तरफ महसूस की है। महसूस की है, और हाँ जो उस बच्चे के फेस एक्सप्रेशन देख के मेरे मुझे इतना मेरी वो खुशी डबल हो गई है कि हाँ मैं उसे कुछ उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ उसे मैंने खुद बना के दी। बिल्कुल। तो तो वो कहना चाहिए कि माँ की जगह ली उस वक्त हाँ जी, आपने। तो ये जिम्मेदारी है हमारी, ये नहीं है कि सिर्फ मतलब माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चों को संभालना, बच्चों को पका के देना, खिलाना, उनको उनको धुलाना, मतलब ये चीज़ें नहीं होती, ऐसा नहीं होता, मिल के काम करना पड़ता है बिल्कुल। और हम लोग करते हैं ये। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में अगर ऐसा हो रहा है तो क्या पुराने दौर में भी ऐसा होता होगा? हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी ऐसा करते होंगे एक दूसरे के साथ बहुत काम वाम करना, क्योंकि पहले कुछ ख्यालात तो और थे या उस वक्त भी ऐसे पहले थे लोग? मेरा ख्याल अगर सिर्फ हम लोग पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में आई थिंक वही कॉन्सेप्ट था कि बाप जो है वो सिर्फ मतलब बाहर का अर्न काम कर कर रहा सकता है है और बीवी जो है वो सिर्फ घर अंदर का कर का। रही है और बच्चों को संभाल रही है। मेरा ख्याल उस टाइम अगर पुराना हम देखें तो बहुत कम ऐसे आई थिंक बाप होंगे जो बच्चों को भी संभालते थे। इवन अभी अगर हम लोग जाएं तो अभी भी वो परसेंटेज जो है वो बहुत हाई नहीं है जहाँ पे माँ बाप दोनों मिल के बच्चों को संभाल रहे हैं। काफ़ी बड़ा है ये ज़रूर है, लेकिन फिर भी देखा जाता अगर जैसे अगर बेटियां और बेटे हैं जिनके घर में, तो आप फिर भी किचन में सिर्फ बेटियों को ही देखेंगे। मेरा ख्याल बेटे उन पर, 10 घरों में से एक घर होगा जहाँ पे एक बेटा है जो काम कर रहा है। और साथ में ये बात भी होती है कि अच्छा बेटा अभी तो नहीं कर रहा, बीवी को आने दे, फिर तू भी फिर से करेगा। करेगा, बिल्कुल और ऐसा फिर जब वो बीवी के साथ करता है तो फिर सारी आई बुलाई जो है वो बीवी पर आ वो जाती मुझे है। बचपन की यादें अम्मी और अब्बू की आ रही है ना, कि अभी नहीं करता तो मैंने, आप यकीन नहीं करे कि मैं पाकिस्तान में मैं एक गिलास पानी तक ऐसे करके नहीं पीता था, लेकिन शुक्र है वहाँ पे माँ थी, बहनें थी, मतलब सारे सारे इकट्ठे रहते थे, जॉइंट फैमिली थी हमारी। तो यहाँ पे आके आप यकीन नहीं करें, मैं खाना भी बना लेता हूँ। सही। और ये नहीं है कि मैं मतलब नहीं बनाती, बट थैंक गॉड कि बॉबी को भी होता है कि यहाँ तो इनको अगर कुछ खाने को मन कर रहा है जो ये कहते हैं कि हाँ ये चीज़ मैं अच्छी बना लेता हूँ, तो जैसे कि निहारी बहुत अच्छी बनाते एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, हैं मतलब तो ऐसा हाँ। नहीं है कि और आप ये नहीं है कि बनाती, हाँ वो नहीं क्लियर कुछ, किया है उन्होंने, हाँ बिल्कुल क्लियर किया उन्होंने कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाती। नहीं, जाहिर सी बात तो है, बहरहाल खाना ये ज़्यादा है सबाई कि बनाती है बंदे, एहसास की एहसास, बात, बिल्कुल या बिल्कुल, एहसास की बात है या ये। जैसे अगर हम लोग कहीं थक के आ रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि चलो कुछ इजी कर लेते हैं, तो ठीक कई है, दफ़ा कहते हैं ओके मैं इतना थका नहीं हुआ, तुम बैठ जाओ बच्चों को लेके, मैं खाना बना देता हूँ। चले लेते तो हैं एक छोटी सी ब्रेक, इसके ठीक है, साथ ही बहुत मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है, लेकिन फिर आते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही थी। अच्छा बॉबी भाई और सबा जी, मैं देख रही थी कि आपके साथ आपकी वालिदा भी हैं, जी तो मेरा ख़्याल है उनसे भी बात करनी चाहिए, ज़रूर, तो क्या ख़्याल है उनको बुलाएं? हाँ जी,
आंटी जी अगर आ सकती हैं तो। आंटी जी और थोड़ा सा यहाँ हो जाए जी। आंटी जी हम BTL की जानिब से आपको वेलकम कहते हैं, हमारा प्रोग्राम है बंधन। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नहायत ही नफीस खातून है ये, इनके बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी है कि ये बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत मिलनसार हैं और बहुत खिदमत गुजार हैं, बहुत सारी सिफात इनमें पाई जाती हैं जो कि हमारे लिए फ़ख्र का बायस हैं और सीखने का मकाम है वो कि हमें इनसे सीखना चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए हमेशा मिसाल होते हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि इनको गुफ्तगू में शामिल किया जाए। तो आंटी जी बड़े अफसोस की बात है कि अंकल जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है, मैं पंजाबी चाहनी हाँ कि तुसा अपनी ज़िंदगी का सफ़र जड़ा वो बड़ा खूबसूरती ना तय किया, कई यादा हो गया, कई गल्ला हो गया। पहला तो मैं तुम्हें पूछना चाहवागी कि इन्हों की शादी के बारे में कोई ऐसी गल तुम याद है जी, इन्हों भी याद ना हो तो बड़ा मज़ा भी लेंदे होवो तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता हो। मैनू इन्हों के बारे बहुत अच्छा लगता से, इन्हों के हुनर डांस की तो खुशी डल मैंने उसी बहुत खुशी की। अच्छा अच्छा, तो मतलब जिस देखते से फिल्म ने तो बड़ा अच्छे लगता से। फिर मतलब जिस बेटे ने बुलाया से तो इन्हें बोर्ड के बच्चे भाई ये ने मतलब प्रोग्राम किया तो बड़ा अच्छा से, मतलब जिन्ना भी खुशी हो सकी है ना बहुत की। हाँ जी खुदावंद का शुक्र है। तो अंकल उन्होंने नाल जिहड़ा तुहाडा जिंदगी का सफ़र रहा वह बड़ा अच्छा रहा, इहदा मैनू पता है। लेकिन वो कुछ तजुर्बात अगर तुसी साडे नाल शेयर कर सको कि की गल सी कि तुहाडे च इन्ना प्यार रहा आखिरी दम तक, और किहड़ी ऐसी गल सी जिहड़ी तुसी चाहते हो कि बाकी लोगों भी पता चले किहड़ा ऐसा राज है जिहदे नाल शादीशुदा लाइफ जिहड़ी वह बड़ी अच्छी गुजरती है, किहड़ी खास गल सी ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸੀ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਚ ਸੀ? ਦੋਨਾਂ ਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਮੇਂ ਕਲਾਮ ਕਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਾ ਥਾ ਔਰ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਕਿ ਕਲਾਮ ਹਮੇਂ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਐ ਬੀਵੀਓ ਜੈਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰੋਂ ਕੇ ਤਾਬੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਐ ਸ਼ੋਹਰੋ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀਓ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਨਸੇ ਤਲਖ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੈਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਬੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿਣ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰ ਫਰਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਡਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਬੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਬੀਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨਾਲ ਤਾਬੇਦਾਰ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੋ ਹਰ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਤਾਬੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ ਦਾ। ਤਾਬੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਇਸਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਤਾਏਂਗੇ? ਤਾਬੇ ਰਹਿਣੇ ਸੇ ਕਿਆ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੋ ਕਹੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਬੇ ਰਹਿਣੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹਮਨੇ ਲੈਣਾ ਤੋ ਅਗਰ ਵੋ ਵੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ ਤੋ ਹਮ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਚ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੇ ਵੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ।
लेकिन कभी होता है जहाँ पे एज अ बीवी आपको कहना पड़ता है कि ओके ठीक है, अगर आप मैं अगर चाहूँ भी फ़र्ज़ करो हमने किसी के घर जाना है कुछ, वो भी कहते हैं कि नहीं मुझे मुनासिब नहीं लग रहा उनकी तरफ जाना, और मैं एक्साइटेड हूँ कि नहीं हम लोगों ने जाना है। तो आई थिंक हम दोनों की खुशी फिर उसमें होनी चाहिए, या बेहतरी हम दोनों की उसमें ही है। अगर मैं कहूँ कि हाँ ठीक है मैं आपकी बात से जो आप कहते हो अग्री करती वो, हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, सही तो है। आई थिंक कभी अपनी मनाना और कभी दूसरे की मानना, इसमें ही आप दोनों जो है वो खुश रहते हैं। और जहाँ पे बात आती है ताबिया रहने की, तो हाँ आपको कहीं ना कहीं, और इस दौर में बहुत मुश्किल है क्योंकि एक वो इक्वल जो होता है ना वो उसका बहुत एक वो ट्रेंड कह लें या बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं हम लोग दोनों इक्वल हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोग बाइबल को देखते हैं तो मे बी वही जो जो बात आपने अभी कही है कि हस्बैंड जो है वो सर है बीवी का, तो उसमें फिर हमको हिचकिचाना नहीं चाहिए ये कहने के लिए कि ओके ठीक है मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, फिर कलाम में सिर्फ यहीं पे एंड नहीं होता, फिर ये भी लिखा है कि ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, पहली बात। फिर लिखा है और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। जहाँ ताबे रहने की बात कही गई है वहीं ये भी ऑर्डर है, ये भी कलाम कहता है कि अपनी बीवियों से फिर तल्ख मिजाजी, नहीं 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 तू नहीं जा सकती, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ये तल्ख मिजाजी तलख है। मिजाज अपना रवैया ठीक रखना, अपनी बातचीत का ढंग ठीक रखना, फिर ये शौहर की जिम्मेदारी है, बीवी की भी जिम्मेदारी है, शौहर की भी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल में कुछ सीरियस हो रहा है प्रोग्राम, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है जैसे आंटी जी ने कहा, जैसे कलाम कहता है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जब मोहब्बत होती है ना तो सारी बातें सारे मसले खुद सॉल्व होना खुल शुरू हो जाता है। जाते हैं। फिर कलाम कहता है कि नर्म जवाब कहर को टाल देता है। अगर आप देखते हैं कि एक शख्स जो है वो गुस्से में है तो दूसरा कोशिश कर सकता है, मुमकिन है दोनों गुस्सैले हों, लेकिन ऐसा मैंने मोस्टली देखा नहीं है। खुदावंद जोड़े ऐसे बनाता है कि एक थोड़ा हम्बल होगा, एक थोड़ा गुस्से वाला होगा, एक थोड़ा मतलब उनमें चेंज होता है। खुदावंद ने कुछ ऐसा सिलसिला बना रखा है कि ऐसे ही बनते हैं जोड़े, उनमें थोड़ा सा इस तरह से कई चीज़ें मिल रही होंगी, कई चीज़ें नहीं मिल रही होंगी मिजाज के एतबार से, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को रन कर सके। लेकिन आज जो हम यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ इस वजह से बैठे हैं कि हम एक बेहतर घराना बना सके, हम एक बेहतर फैमिली जो है वो डिवेलप कर सके और अपने तजुर्बात बयान कर सके। मैं चाहूँगी कि आप लोग आखिरी एक मैसेज, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, एक अच्छा सा मैसेज जो देना चाहें अपने इस खूबसूरत सफ़र के हवाले से जो आप गुजार रहे हैं। खुदा करे कि आप इसी तरह हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, तो थैंक ज़रूर एक मैसेज नाज़रीन के लिए छोड़िए। यू। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी कपल्स हैं जो एक साथ रहते हैं, जो अपनी इज़दवाजी बाइबल अकॉर्डिंग टू बाइबल जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, और जो जो वैसे भी यहाँ पे आपको पता है कि जैसे लोग साम मौन करते हैं, और खैर हमारी बाइबल तो उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, वो बिल्कुल बिल्कुल इजाज़त ही नहीं देती कि इस तरह बिल्कुल हम रहें, ऐसा ही है। लेकिन जो रहते हैं वो प्लीज़ खुदारा प्लीज़ उसको एक दूसरे को अपने से बेहतर नहीं समझना। एक जैसे वो है कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, तो हमें साथ साथ चलना है, हमें साथ एक दूसरे को लेके चलना है, और जब साथ चलते हो और एक दूसरे को आप एज ए फ्रेंड समझते हो, तो जैसे आप लोग फ्रेंड्स होते हुए एक दूसरे के साथ हर एक बात शेयर करते हो, हमें भी हर एक बात शेयर करनी चाहिए और अपनी बीवी को अपने शौहर को एक दूसरे के साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। इसी में जो हमारी बाइबल कहती है, इसी में हमारी बका है, बका इसी है। हाँ में जी, हमारी सलामती सलामती है, है। हाँ इसी जी, में हम लोग खुश रह खुश रह सकते सकते हैं। हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया BTL की पूरी टीम, आपकी बहुत शुक्रगुजार है कि आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा वेलकम। लिया और बहुत सारी बातें हमने आपसे की, और इस तरह हम आपसे मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। अपने दोस्तों को भी बताएं BTL के हवाले से, आप जरूर डिटेल्स जो हैं वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और देखते रहें BTL। खुदा हाफिज़।